आज असम में जब मैं सीएम बना, मोदी जी ने गारंटी दिया था कि असम में 1,00,000 युवाओं को 1 साल में नौकरी देने का काम बीजेपी करेगा। चुनाव हुआ, मोदी जी ने मुझको बुलाया दिल्ली में, हिमन तुम सीएम बना, 1 साल में अगली 10 मई के अंदर में 1,00,000 युवाओं को नौकरी देना पड़ेगा। हमने पहला साल में ही 1,00,000 युवाओं को नौकरी दिया, कोई कोर्ट केस नहीं हुआ, कोई पेपर लीक नहीं हुआ, आप गूगल करके देख सकता है। आज असम से उड़ीसा बड़ा प्रदेश है, उड़ीसा में संपद है, उड़ीसा में रिसोर्स है। आज मोदी जी उड़ीसा का युवाओं को गारंटी दे रहा है कि हमारा जब सरकार बनेगा, हम 3,00,000 युवाओं को सरकार में नौकरी देने का काम करेगा। भाइयों और बहनों, धान में 3,100 रुपया, माताओं के लिए सुभद्रा योजना, और हमारा बुजुर्ग का जो आज 500 रुपया का पेंशन मिलता है, ये पेंशन भी हम लोग 3,000 रुपया करने का काम करें। भाई और बहनों, आपको लगेगा कि ये हो सकता है क्या? आप छत्तीसगढ़ का खबर लीजिए, असम का खबर लीजिए, मध्य प्रदेश का खबर लीजिए, उत्तर प्रदेश का खबर लीजिए, मोदी का गारंटी एक बार हो गया ना, ये लकीर हो जाता है, ये कभी चेंज नहीं हो सकता है। मेरा माताओं को मैं विनती करूंगा, ये आज आप देखिए, आप लोगों को दो दो खाली बैग दिया, वो बैग कहां बना के लेके आया है? तमिलनाडु में से बना के लेके आया है। क्या वो बैग उड़ीसा का सेल्फ हेल्प ग्रुप का माताओं बना नहीं सकता था क्या? सकता था क्या? मैं तो मानता हूं हम लोग इधर में ही वो बना सकता था, लेकिन वो काम भी हमारा उड़ीसा का लोगों को नहीं मिलते। भाइयों और बहनों, आप लोगों ने बहुत बार नवीन बाबू को मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन नवीन बाबू ने एक भी उड़ीसा का लोगों को अपना उत्तराधिकारी मानने से इनकार कर दिया। उड़ीसा में करोड़ों युवक है, करोड़ों लोग है, लेकिन एक भी उड़ीसा का युवाओं को वो पावर नहीं मिल रहा है जो पंडियान को मिल रहा है। जदि आपणको आम वीडियोटी भल लगिला तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलंतु नहीं।